हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज मैं आपके लिए द व्हील ऑफ टाइम के बाकी के 3 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन लाया हूँ। 6th एपिसोड स्टार्ट होता है एमरलिन के बचपन से। दिखाते हैं वो बचपन से ही अपनी शक्तियों का अच्छे से यूज करना जानती है, इसलिए उसके पापा उसे व्हाइट टावर भेज देते हैं। अब करंट में एमरलिन व्हाइट टावर आ चुकी है और वो लोगन को बुलवाती है। लोगन कहता है, पहले कोई तुम पर हमला करने की सोचता भी था तो लोग उसे पागल कहते थे और उसका साथ नहीं देते थे, पर अब जब मैंने ऐसा किया तो हजारों लोग मेरे साथ हैं। ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है। एमरलिन उसे वापस जेल भेज देती है तो वो चीखता है, मुझे मौत चाहिए जिससे मैं दोबारा जन्म ले सकूं, पर उसको जेल में भेज दिया जाता है। देन एमरलिन लैंड्रियन से कहती है, मैंने लोगन को बिना कुछ किए यहाँ लाने का आदेश दिया था, फिर तुमने उसकी शक्तियाँ क्यों छीनी? तो लैंड्रियन कहती है, हालत काबू से बाहर हो गए थे। एलेना भी उसका साथ देती है और बताती है, उसने हमारी बहन कैरेन की जान ले ली। देन मॉरेन कहती है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी और बहनों की जान भी जा सकती थी। एमरलिन कहती है, हमारे रूल्स और हमारी जान हमारे लिए नहीं है बल्कि इसलिए है जिससे हम कुछ अच्छा कर सके। लैंड्रियन पर उंगली उठने लगती है तो वो बात घुमा देती है कि मॉरेन 20 साल से बाहर आती जाती रही है। ब्लू आइसडाई का काम है बाहर घूमकर आने वाले खतरे से पहले ही आगाह कर देना। पर मॉरेन बाहर घूमकर क्या कर रही है, आपने कभी उससे नहीं पूछा, या हो सकता है आप पूछना नहीं चाहती क्योंकि आप भी ब्लू ग्रुप से ही हैं। एमरलिन मॉरेन से बाहर घूमने का मकसद पूछती है तो मॉरेन बताने से मना कर देती है। एमरलिन को काफी गुस्सा आता है पर उसके बार बार पूछने पर भी मॉरेन मना करती है, जिस वजह से एमरलिन कहती है कल मॉरेन को सजा सुनाई जाएगी। फिर मॉरेन को रेंट के बारे में पता चल जाता है तो वो उससे मिलने जाती है, पर वो मैट की हालत देखती है तो उसके अंदर से उस काली शक्ति को बाहर खींच लेती है। अब मैट थोड़ा नॉर्मल था। रेंट मॉरेन को थैंक्स कहता है तो मॉरेन कहती है, मैट जब तक उस खंजर को नहीं छुएगा डेविल उससे दूर रहेगा, पर अगर उसने फिर इस खंजर को छुआ तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। इधर पेरिन और इग्विन व्हाइट टावर आ चुके हैं। मॉरेन उनसे मिलती है तो इग्विन मॉरेन को बाकी सारी रिंग्स दे देती है। देन मॉरेन अपने रूम में जाती है और लैन को अपने बार्डर के बंधन से कुछ टाइम के लिए आजाद कर देती है। फिर वो एक पोर्टल ओपन कर डायरेक्ट एमरलिन के रूम में पहुंचती है और यहाँ हमें पता चलता है कि एमरलिन और मॉरेन एक दूसरे को पसंद करते हैं और मॉरेन एमरलिन के बताए हुए काम को ही कर रही है, पर इसकी भनक किसी और को नहीं है। और अगर किसी को पता चला कि दोनों मिले हुए हैं तो दोनों की शक्तियाँ छीन ली जाएंगी। एमरलिन कहती है, डार्क वन इस टाइम आई ऑफ द वर्ल्ड पर है, वो वीक है, इस टाइम उसे मारना सही रहेगा, तुम उन पांचों को वहाँ लेकर जाओ। मॉरेन कहती है, पर ड्रैगन कोई एक ही है, बाकी सबका क्या होगा? एमरलिन बताती है, ड्रैगन और डार्क वन के अलावा वहाँ बाकी सब लोग उनके बीच मारे जाएंगे। मॉरेन कहती है, मुझे अपनी फिक्र नहीं, पर बाकी के 4 भी। एमरलिन बताती है, अगर हमें वर्ल्ड को बचाना है तो कुछ लोगों को अपनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। फिर मॉरेन बताती है, ठीक है फिर कल मुझे सजा में देश निकाला देना, जिस पर एमरलिन इमोशनल हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे मॉरेन इग्विन को नैनीव से मिलवाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश होती हैं। पर मॉरेन कहती है, हमारे पास वक्त नहीं है, एमरलिन ने बुलाया है। वहाँ मिलने जाने पर नैनीव उससे ठीक से बात नहीं करती, पर एमरलिन कहती है, ये घमंड दिखाने का वक्त नहीं है, हमें साथ मिलकर डार्क वन को हराना होगा। फिर सभा में एमरलिन शपथ दिलवाती है कि जब तक वो व्हाइट टावर नहीं बुलाएगी तब तक तुम यहाँ नहीं आओगी। बस देश निकाला मिलते ही मॉरेन सबको एक साथ बुलवाती है। वहाँ रेंड, मैट, पेरिन और इग्विन एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। फिर मॉरेन सबको बताती है डार्क वन के बारे में और वो कहाँ जा रहे हैं ये सब। वो बताती है, आई ऑफ द वर्ल्ड वो जगह है जहाँ पिछले ड्रैगन ने उसे कैद रखा था, जहाँ दुनिया खत्म हो गई थी और अभी वो वही है। फिर वो एक पोर्टल ओपन करती है तो लोयल बताता है, ये पुराने पाथवेज हैं जिससे हम कम से कम टाइम में आई ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंच सकते हैं, मतलब एक तरीके से ये जंपिंग पॉइंट्स हैं जिसमें हम एक जगह से एंट्री लेकर दूसरी जगह एग्जिट करते हैं, जिन्हें आज की साइंस में वॉर्म होल कहते हैं। फिर सभी उसके अंदर जाने लगते हैं पर मैट उनके साथ नहीं आता। वॉर्म होल बंद हो जाता है और वो बाहर ही रह जाता है और 6th एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब 7th एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें एक प्रेग्नेंट औरत दिखाते हैं जो कि खुद को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ी जा रही है। इस हालत में भी उसका शौर्य देखने लायक था। फिर जब उसके पास कोई नहीं होता तो वो खुद पुश करके बच्चे को जन्म देने लगती है, पर तभी एक सोल्जर उसके सामने तलवार लेकर आ जाता है। अब करंट में दिखाते हैं, सभी मॉरेन से मैट को वापस लाने के लिए बोलते हैं, पर लोयल बताता है, हम बार बार ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि
मिन चिनसू हम पर अटैक कर सकती है। नैनी पूछती है ये क्या है, तब तक लॉयल आगे निकल जाता है। नैनी अपने फ्रेंड से कहती है कि एक बार ये सब खत्म हो जाए फिर हम मैट को ढूंढ लेंगे। तभी उन पर एक ट्रोलॉक अटैक कर देता है। लैन बोलता है यहाँ ट्रोलॉक कैसे, लगता है वो भी इन रास्तों का यूज कर रहे हैं, इसलिए वो कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं। फिर लॉयल बताता है यहाँ मिन चिनसू भी आने वाली है। मोरेन सबको बताती है ये एक शैतानी हवा है जो तुम सबसे बात करने की कोशिश करेगी और तुम में गलत सोच भरेगी, इसलिए तुम आगे बढ़ते रहना। अब लैन बोलता है हम आई ऑफ द वर्ल्ड के गेट तक नहीं जा सकते, इसलिए हमें फलदार जाना होगा। मोरेन गेट ओपन करना स्टार्ट करती है, पर तब तक वो हवा अटैक कर देती है और सबके बुरे बुरे ख्याल बताती है। जैसे रैन से कहती है एक दिन तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हें छोड़ देगी। पेरेन से कहती है तुमने जानबूझकर लैला को मारा, ऐसे ही बहुत कुछ। पर नैनी अपनी शक्ति का यूज करती है और पूरी शैतानी हवा को सबसे दूर करके एक सुरक्षा कवच लगा देती है। गेट ओपन होता है और सब एंटर करते हैं। फिर वहाँ मोरेन और लैन सबसे मिलते हैं। वहाँ मोरेन किंग को समझाने की कोशिश करती है कि ट्रोलॉक्स बड़ी तादाद में हमला करने वाले हैं, पर किंग पहले तो उसकी बात हल्के में ले लेता है, पर जब किंग की सिस्टर भी उसको यही बताती है तो वो उनसे लड़ने की प्लानिंग स्टार्ट कर देता है। फिर हमें दिखाते हैं उस पाथवे से कोई निकलकर फलदार सिटी की तरफ आ रहा है। एक गिन पेरिन रैंड और मैट मार्केट में घूम रहे थे तो पेरिन को एक झलक फेरी वाले फदन की दिखती है। नैनीव कहती है तुमने किसी और को देखा होगा, वो मर चुका है। इधर मोरेन सबको ड्रिंक कराने ले जाती है और उस बार में जो काम करती है वो फ्यूचर देख सकती है, इसलिए मोरेन उन्हें यहाँ लेकर आई जिससे वो ये जान सके कि इनमें ड्रैगन कौन है। पर उसको रैंड के हाथ में बच्चा दिखता है और ऐसे ही बाकी तीनों का भी फ्यूचर कुछ और दिखता है, पर उसे ये नहीं पता चलता कि ड्रैगन कौन है। मोरेन उससे खुद के बारे में पूछती है तो वो कहती है तुम जिस एमरलिन सीट के साथ हो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। देन मोरेन सबको सच्चाई बताती है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई जिससे मुझे पता चल सके कि ड्रैगन कौन है, पर नहीं चल पाया। और जो भी आई ऑफ द वर्ल्ड जाएगा ड्रैगन और डार्क वन के बीच मारा जाएगा, इसलिए तुम लोग डिसाइड कर लो। फिर नैनी वो रेंड वहाँ नहीं जाना चाहते क्योंकि वो दोनों मोरेन पर भरोसा नहीं करते, लेकिन इग्विन मोरेन पर भरोसा करती है और वहाँ चलने को कहती है। इधर मोरेन लैन को फिर अपने बंधन से आजाद कर देती है। देन लैन नैनीव को अपनी फैमिली से मिलवाता है और जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो इंटीमेट हो जाते हैं। इधर बाहर रैंड एरो प्रैक्टिस कर रहा था, वहाँ इग्विन उससे मिलने आती है और कहती है मुझे आज तक मोरेन की सिर्फ एक बात गलत लगी है और वो ये है कि वहाँ सब मरेंगे, हम जिंदा वापस जरूर आएंगे। फिर रैंड को सोचता हुआ दिखाते हैं कि उसके अंकल जिन्होंने उसे पाला था वो वही थे, ये सोल्जर जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा उसने ही रैंड को पाला। फिर हमें आगे दिखाते हैं रैंड का वो गेट तोड़ना, उस टाइम भी उसके साथ शक्ति थी। फिर पाथवे में ट्रोलों को शक्ति से मारना और फिर वो शैतानी हवा आती है और वो रैंड से कहती है वो ड्रैगन तुम ही हो, और यहाँ हमें पता चलता है कि रैंड ही ड्रैगन है। फिर रैंड मोरेन से मिलने जाता है और कहता है वो मैं ही हूँ। मॉर्निंग में इग्विन और नैनीव जब रैंड को ढूंढ रहे थे तब लैन उन्हें आके बताता है मोरेन ने मुझे बंधन से आजाद कर दिया है और वो हम सबको छोड़कर रैंड के साथ चली गई जिससे सबकी जान बच सके। और फिर रैंड और मोरेन पहुंचते हैं डेडलैंड। आई ऑफ द वर्ल्ड का रास्ता यहीं से होकर जाता है और फिर 7th एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब आता है इस सीरीज का फाइनल एपिसोड। 8th एपिसोड स्टार्ट होता है 3000 साल पहले की कहानी से, जहां लात्रा और लुइस बात कर रहे हैं डार्क वन को पकड़ने की, क्योंकि लुइस ड्रैगन का पुनर्जन्म है और वही है जो डार्क वन को पकड़ेगा। पर लात्रा डरती है। फिर दिखाते हैं 3000 साल पहले जो वर्ल्ड था वो बहुत डेवलप्ड था, पर जब पूरे वर्ल्ड का विनाश हुआ और दोबारा बना तो इतना डेवलप नहीं हो पाया। अब प्रेजेंट में मोरेन और रैंड डेडलैंड में आगे बढ़ रहे हैं। इधर नैनीव लैन को कहती है कि वो मोरेन के पीछे जाए, लैन कहता है वो ऐसा नहीं चाहती। नैनीव कहती है वो जहाँ जाती है उनके सुराग पीछे रह जाते हैं, उन्हें ट्रैक किया जा सकता है, तुम उनके पीछे जाओ। इधर किंग एजलमर और लेडी एमेलिजा युद्ध की तैयारी में है। एमेलिजा कहती है आपको पता है हम जीत नहीं सकते। एजलमर कहता है तो हम मोरेन को जितना वक्त दे सके उतना देंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे, मैं सेना के साथ बॉर्डर संभालूंगा और तुम पैलेस को। फिर दिखाते हैं मोरेन को जो रैंड को बताती है ये है सांग्रियाल। हजारों ध्यान लगाने वाले पुरुषों ने अपनी शक्ति इसमें डाली है और जब तुम डार्क वन के सामने होगे
तो इसकी शक्ति को अपने अंदर लेकर उसे डार्क वन पर यूज करोगे और 3000 साल के लिए उसे फिर दफन कर दोगे। देन दोनों आई ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंचते हैं। रैंड मोरेन को नीचे आने से मना करता है क्योंकि उसने कहा था जो नीचे जाएगा मारा जाएगा, पर मोरेन नीचे आती है। नीचे आते ही रैंड को लुइस की यादें आने लगती हैं और जैसे ही वो नीचे बनी उस आई को टच करता है वो देखता है कि वो इग्विन के साथ है और उनका एक बच्चा है। दोनों खुशी खुशी जी रहे हैं। इधर किंग एजलमर की फॉय सिटी की बॉर्डर पर जाने के लिए निकलती है। एमेलिजा पैलेस की सुरक्षा बढ़ाती है और आदेश भिजवाती है कि सिटी में जो भी लेडी जरा सा भी ध्यान लगा सकती हो वो हेल्प करने के लिए आ गया है। इधर हमें दिखाते हैं रैंड गहरी नींद में है और मोरेन उसे संभाल रही है। मोरेन डार्क वन पर अटैक करती है पर वो कहाँ टिक सकती है उसके सामने। इधर किंग एजलमर के कुछ खास लोग उसके थ्रोन के नीचे खोदना स्टार्ट करते हैं और अब ट्रोलॉक्स और फेट ने हमला कर दिया है। इधर नैनीव और इग्विन लेडी एमेलिजा के पास पहुंचती हैं। पेरेन भी हेल्प करना चाहता है पर लोयाल उसे लड़ने जाने से मना करता है। रैंड को कुछ देर बाद कुछ अजीब सा लगने लगता है, जैसे ये वो जगह नहीं है, उसे कहीं और होना चाहिए। और तभी डार्क वन उसके सामने भी आ जाता है और वो रैंड को बताता है, तुम में इतनी शक्ति है कि तुम इससे अपना मनचाहा संसार बना सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो तुम चाहते हो वैसा संसार कैसे बनाना है। इधर डार्क वन का एक अक्स मोरेन से बात कर रहा है और वो उससे कहता है, देखते हैं ये क्या चुनता है, लाइट या डार्क। मोरेन अपना खंजर निकालकर रैंड के गले पर रख देती है और कहती है, तुम इसकी मदद के बिना यहाँ से नहीं निकल सकते और अगर इसने डार्क चुना तो मैं इसे मार दूंगी। इधर लोयाल और पेरेन भी थ्रोन वाली जगह पहुंचते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। ट्रोलॉक्स आगे बढ़ते हैं और दीवार पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं पर किंग उससे लड़ते हुए मारे जाते हैं। इधर डार्क वन रैंड को अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहा है तो रैंड कहता है, मुझे क्या करना होगा। देन डार्क वन मोरेन से कहता है कि उसने ध्यान लगाना स्टार्ट कर दिया है पर तुम्हें ये नहीं पता वो किसके लिए ध्यान लगा रहा है। इधर फैदान 2-3 फेट के साथ अंदर घुस जाता है और सबको मार देता है। तब हमें पता चलता है कि फैदान डार्क वन के साथ है और सभी ने थ्रोन के नीचे खोद कर हॉर्नविल निकाल लिया है पर इसको सिर्फ ड्रैगन बजा सकता है। अब ट्रोलॉक बॉर्डर वाली दीवार को क्रॉस कर अंदर घुस आए हैं और सारी लेडीज ध्यान लगाना स्टार्ट करती हैं। इधर पेरिन फैदान को देखता है तो उसके पीछे जाता है। डार्क वन रैंड को उकसाता रहता है, उसको अपना बना लो, वो हमेशा तुम्हारी रहेगी और हम उसकी पावर को लाइट से ब्लैक होते देखते हैं। डेट मीन्स कि वो डार्क वन के लिए काम कर रही है। इधर सारी लेडीज अपनी पावर को सोर्स से जोड़कर एमेलिजा में ट्रांसफर करती हैं और उसके थ्रू एक भयंकर लाइट का विस्फोट होता है जिससे ट्रोलॉक्स इजीली मरने लगते हैं। पर उनमें एक ध्यान लगाने वाली थोड़ी वीक थी तो उसकी स्किन जलने लगती है और फिर वो मर जाती है। इधर रैंड को एहसास होता है कि इग्विन को कभी फैमिली बनाना पसंद नहीं था, वो तो कभी विजडम तो कभी आइसडाई बनना चाहती थी। और फिर वो डार्क वन के बहकावे से बाहर आता है और पॉजिटिव वे में ध्यान लगाने लगता है और सांग्रियाल से खुद को जोड़ लेता है। उसके साइन करते ही मोरेन समझ जाती है कि रैंड लाइट के साथ है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और फिर प्रकाश पुंज से डार्क वन पर हमला करता है और वो चला जाता है। इधर पेरिन को समझ आता है उसे भटकाया गया है तो वो वापस वहीं जाता है और देखता है किंग के सारे खास आदमी मर चुके थे और हॉर्नविल उनके हाथ में है। फैदान लोयल को मार रहा है। इधर सारे ट्रोलॉक्स मर चुके हैं पर एमेलिजा खुद को रोक नहीं पा रही और बाकी लेडीज की शक्ति खींचती जा रही है। और फिर एमेलिजा कहती है, मैं इस संसार की एक एक सांस को सुन सकती हूँ, ऐसा लगता है मैं हर जगह हूँ। देन दूसरी लेडी भी मर जाती है और इग्विन भी मरने लगती है पर नैनी उसको बचाने के लिए खुद को उससे चैनल कर लेती है और खुद मर जाती है। एमेलिजा भी अब पावर्स नहीं झेल पाती और जलकर मर जाती है। इधर फैदन बताता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी चीजें बेचने एक सड़े से गांव आऊंगा। तुम टेवरेन हो, तुम पांचों इस व्हील के सेंटर हो, हर बार एक या दो होते हैं पर इस बार तुम पांचों हो और डार्क वन ने ट्रोलॉक्स को तुम लोगों को मारने नहीं यहाँ तक लाने भेजा था। ये युद्ध का अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। इधर रैंड वापस जाने से मना करता है क्योंकि उसने वो असीम ताकत को महसूस किया था और अगर वो इसे नहीं संभाल पाया तो पागल होने लगेगा, तो वो अपने चाहने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसलिए वो मोरेन से कहता है कि सबको यही बताना कि मैं मारा गया और वहां से कहीं और निकल जाता है। इधर फैदन कहता है, डार्क वन को तुम पांचों की जरूरत है इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, पर वो सब वहां से हॉर्नविल लेकर चले जाते हैं। लैन मोरेन के पास पहुंचता है और उसको देखकर रिलैक्स होता है।
डैन वो रैंड के बारे में पूछता है। अब आइसडाई तो झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए वो दुख भरा फेस बनाकर कहती है कि वो चला गया, जिससे उसके ऐसा बोलने पर भी सब यही समझे कि वो मारा गया। फिर लैन बॉन्ड बनाने को कहता है तो मॉरेन कहती है मैं नहीं कर सकती, डार्क वन ने मेरी पावर छीन ली है, अब मैं सोर्स से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकती। इधर इग्विन नैनीव के पास रो रही होती है, तभी इग्विन की कुछ पावर्स उसमें जाने लगती है और वो ठीक हो जाती है और दोनों बहनें गले मिलकर रोती हैं। रैंड भी अपने सफर पर निकल जाता है। इधर किसी पश्चिमी तट पर एक बच्ची खेल रही होती है और वहाँ हमें ढेर सारे जहाज आते दिखाते हैं और उनमें जो लोग थे जो महिलाएं, हमें उनकी पावर का एक नमूना दिखाया जाता है। वो अपनी पावर के थ्रू समुद्र में एक विशाल सुनामी क्रिएट करती हैं और ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है। इसका सेकेंड सीजन भी जल्द आने वाला है क्योंकि ये सीजन सिर्फ 3 बुक पर बेस्ड है, अब बाकी 13 बुक्स बची हुई हैं। ये देखते हैं ये फैंटेसी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह पेस पकड़कर बढ़ती जाती है या अपने नेक्स्ट सीजन में डाउन होती है। वैसे उम्मीद तो यही है कि सीरीज काफी अच्छा करेगी, बाकी तो वक्त के साथ पता चली जाएगा। तब तक जुड़े रहिए चैनल से और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।